on. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल में हूँ शरद। शुरू करते हैं एक्सप्रेस बुलेटिन, करते हैं रुख शहर की खास खबर की ओर। पुष्कर के चांदमल मोदी आयुर्वेदिक औषधालय की ओर से वेंकटेश क्लब के सहयोग से मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को निशुल्क काढ़ा कार्यक्रम के तहत लोगों को क्वाथ पिलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कर्मी कलावती पारी और सुनीता वर्मा परिचारक के निर्देशन में आयुर्वेदिक औषधियों से रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला काढ़ा पिलाकर लोगों में वितरित किया गया। मौसमी बीमारियों के हेतु काढ़ा वितरण किया जा रहा है। चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में सुबह 10:30 बजे से शाम को 4 बजे तक मिलेगा। ये गोजवादी क्वाथ वगैरह सारे डाले हुए हैं इसमें। सारे मौसमी बीमारियां, चाहे कोई भी हो, अभी वाला बुखार चल रहा है वो भी हो, चिकनगुनिया हो, स्वाइन फ्लू हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए ये काढ़ा है। बचाव हेतु ये काढ़ा दिया जा रहा है। 2 दिन का है प्रोग्राम, फिर आगे जैसे जब भगवान की इच्छा आगे और कहेंगे तो और हो जाएगा। हमने शुद्ध बिल्कुल पीतल का भगोना कलाईदार काम में लिया है, कोई भी तरह की अशुद्धि नहीं है। पीने का पानी काम में लिया है, प्लास्टिक के गिलास नहीं है, कब भी अच्छे लिए। पुष्कर पुलिस ने मादक पदार्थों के 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग और 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की जानकारी देते CI राजेश मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी और CO ग्रामीण विनोद कुमार सीपा के सुपरविजन में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घनाइड़ा रेलवे स्टेशन के पास से 2 बच्चों को 1 किलो 800 ग्राम अवैध गांजे के साथ पकड़ा गया है। इसी तरह खटीक धर्मशाला देवनगर रोड के पास से कड़ेल निवासी संजय तंवर को भी 60 ग्राम अवैध गांजे के साथ पकड़ा गया। दोनों मामलों में NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कपालेश्वर तिराहे के पास से देवनगर निवासी शिवपाल रावत को तलवार नुमा धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक संजय तंवर उर्फ सेजकरण, पुत्र श्री सुरेश तंवर, जाति मेघवाल, उम्र 23 साल, निवासी कड़ेल, पुलिस थाना पुष्कर को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या क्या मादक पदार्थ? उससे गांजा मिला है। कितनी मात्रा? इससे 60 ग्राम है। इससे एक धारदार तलवार है वो बरामद किया है। कहाँ से बरामद किया है? ये अपने कपालेश्वर चौराया है वहाँ पे। तो पुष्कर का ही है, आसपास के ग्रामीण इलाके, आसपास का घनाडा का है। आज दोपहर में 2 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध किया है, जिनसे 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। कहाँ से इनसे बरामद किया है? पुष्कर रेलवे स्टेशन के पास से। दिल्ली में लगातार 3री बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संभागीय अधिकारी कीर्ति पाठक के नेतृत्व में पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक करने पुष्कर पहुँचे। सरकार के बनने पर ब्रह्म सरोवर पर दुग्धाभिषेक कर पुष्कर राज महाराज का आभार प्रकट किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और कीर्ति पाठक ने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3री बार सरकार बनी है, जो आम और गरीबों की सरकार है। दिल्ली की जनता ने आम जनता के बेटे अरविंद केजरीवाल को 62 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनाने पर पुष्कर सरोवर का दुग्धाभिषेक कर आभार प्रकट किया गया है। देखिए, दिल्ली में जो बाहरी बहुमत के साथ 62 विधायकों के साथ जो एक दिल्ली सरकार पुनः बनने जा रही है, उसी का शुक्रिया अदा करना था। उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद करने यहाँ आए और दरगाह के अंदर चादर चढ़ाई, ये 2 काम आज करने थे, क्योंकि एक नेक नियत की जीत हुई है। धर्म और जाति समाज से परे एक आदमी विकास की राह पर जो चल रहा है, उसी को भारी बहुमत से जिताकर सदन में पहुँचाया।
पुष्कर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश मंत्री बीरमदेव अपनी निजी यात्रा पर आज पहुंचे। उनके पुष्कर आगमन पर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के निवास पर उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान उनके साथ भाजपा के पूर्व देहात जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पालिका अध्यक्ष के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से वार्ता की। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पालिका उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, पार्षद कैलाश श्रेष्ठी, लक्ष्मी पाराशर, महेंद्र सिंह खंगारोत, रोहन बाकोलिया, अरुण वैष्णव, दीपा जाखेटिया, एडवोकेट कुलदीप पाराशर, मुकेश जगेटिया, कमल पाराशर और जैकी संदीप पाराशर, लखन सरवाड़िया सहित कई। पुष्कर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई वृद्धि को वापस लेने हेतु उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने SDM को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गत विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य की आम जनता से वादा किया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो अगले 5 वर्ष में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ़ी की जाएगी। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने गरीब किसान का 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया और साथ ही हाल ही में बिजली की दरों में 2 रुपये प्रति यूनिट से 4 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि कर गई, जिसके चलते राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। साथ ही जनता में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। भाजपा ने राज्यपाल महोदय से मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों को वापस लेकर जनता को राहत प्रदान करें। कांग्रेस सरकार को जब चुनाव लड़ा उन्होंने घोषणा पत्र में क्या था कि किसानों की बिजली दर कम करेंगे, किसानों के जो बिजली के बिल माफ़ करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले पूर्व वृद्धि हुई है तो किसान आम लोग सब जनता त्रस्त है। तो हमने राज्यपाल महोदय के नाम से यहाँ AG ऑफिस में ज्ञापन दिया है कि भाई ये जो वृद्धि आपने जो घोषणा की है वो आपने थोती की थी, इस पर आप अपना अमल लाएँ जो आपने घोषणा की।